हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है, तो प्लीज़ अपने आप को अच्छा रखिए, सेफ रखिए। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे आटे के बिस्किट, जो कि बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें आटा यूज़ किया है, मैदा यूज़ नहीं किया है। मैदा हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, बहुत ही अनहेल्दी होता है, खासकर बच्चों के लिए। और ये जो बिस्किट है ये सभी को बहुत पसंद आते हैं, फिजाए छोटे हो या बड़े हो। और इसको हम ना ही माइक्रोवेव करेंगे, ना ही हमें ओवन की ज़रूरत है। तो चलिए फिर जल्दी से हम रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है। यहाँ पे मैंने 4 इलायची ली हैं, जिनकी दानों को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीनी ली है, आप स्वीटनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, ये हम मोन के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ आटा लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ऑयल की जो क्वांटिटी है कोई फिक्स नहीं है, हमें उतना ऑयल लेना है जब हमारा आटा जो है वो अच्छे से बंधने लगे। अगर आपको लगता है कि ऑयल और ऐड करना पड़ेगा तो आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे जो थोड़ा सा ऑयल जो बचा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप यहाँ देख सकते हैं आटा कितने अच्छे से बनने लगा है, इसका मतलब कि मोवन जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। जो हमने 4 इलायची ली थी उसके दानों को क्रश करके इसमें मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें 1/2 कप चीनी वो इसमें ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे पूरी 1/2 कप चीनी ऐड करी है, आप स्वीटनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपको पसंद है मीठा। उसके बाद हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं आटा कितने अच्छे से एक साथ आ रहा है, इसका मतलब कि चीनी और इलायची सब कुछ परफेक्ट है। तो अब हम आटे को दूध की मदद से माड़ लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, आप चाहे तो दूध की जगह पानी भी ले सकते हैं, लेकिन वो दोनों ही रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ना ही गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा होना चाहिए। उसके बाद हम धीरे धीरे दूध को ऐड करेंगे और धीरे धीरे करके हम आटे को माड़ेंगे। दूध एक साथ ऐड नहीं करना है, अगर आप एक साथ ऐड कर देंगे दूध तो आटा जो है वो ढीला भी लग सकता है। और आटे को हमें टाइट लगाना है, ढीला नहीं लगाना है। अगर आप ढीला लगाएंगे तो जो बिस्किट है वो अच्छे से नहीं बनेंगे और ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आटा लग चुका है और ये कितना टाइट है। यहाँ पे मैंने 1 कप जो दूध लिया था उसमें से थोड़ा बच गया है, लगभग 1/2 कप से ज़्यादा दूध इसमें यूज़ हो चुका है। तो चलिए अब बिस्किट बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और यहाँ पे मैंने सूखा आटा भी लिया है, क्योंकि ये जो आटा है ये काफ़ी स्टिकी हो जाता है चीनी की वजह से, तो आपको सूखे आटे की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, उसको मैंने सूखे आटे में लगाया है। अब मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी। मैंने यहाँ एक बोतल की कैप ली है, आप चाहें तो कोई भी कैप ले सकते हैं या फिर आप कुकी कटर भी ले सकते हैं। और आपको जितने बड़े बिस्किट चाहिए आप उस हिसाब से कैप लीजिए। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट को अच्छे से कट कर लिए हैं कैप की मदद से, आप ये देख रहे हैं मैंने गोल शेप में कट किया है। आप चाहें तो कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, कुकी कटर में तो वैसे भी काफ़ी शेप्स आते हैं, तो आप अगर उसकी मदद से कट करेंगे तो अलग अलग शेप के और अच्छे बिस्किट बनेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं बिस्किट हमारे बन चुके हैं और जो आटा बच गया था उसको मैंने वापस उसी आटे में मिक्स कर दिया है। अब बिस्किट में हम छेद बनाएंगे, वो हम फोक की मदद से बनाएंगे। अगर हम छेद नहीं बनाएंगे या उसे प्रिक नहीं करेंगे तो वो फूल भी सकते हैं, इसलिए उसमें छेद करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने छेद भी कर लिया है। चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल हो जाने के बाद इसमें मैं एक एक करके बिस्किट ऐड करूँगी और उसको हम स्लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे बिस्किट को सेकेंगे तो वो जल भी जाएंगे और अंदर से अच्छे से सिक भी नहीं पाएंगे, इसलिए उसको लो फ्लेम पे ही हमें पकाना है, ताकि वो अंदर से भी पक जाए और ऊपर से भी क्रंची हो जाए। और इसको हमें बीच बीच में चलाते हुए पकाना है, अगर आप उसको चलाएंगे नहीं तो भी वो जल सकते हैं। और इसको याद रखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही हमें धीरे धीरे करके पकाने हैं।
यहाँ आप देख रहे हैं बिस्किट अच्छे से सिक चुके हैं और ये लाल भी हो गए हैं। तो अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से अब मैं सारे बिस्किट बना लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिस्किट बनके तैयार हैं, आप देख रहे हैं ये कितने ही अच्छे लग रहे हैं दिखने में, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये कितने ही सॉफ्ट बने हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइए आपको ये कैसी लगी रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।